हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस से। दोस्तों, मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, किसी भी स्टेट की, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केवीएस, एनवीएस, सीएमपी, टेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी हो, सभी का सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोस, थ्योरी सेशन, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, सभी प्रकार के वीडियोज है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों का आप अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी आपके सामने यूपी टीजीटी एंड एमपी टेट का एग्जाम, जैसे कि एमपी टेट का आपका डेट निर्धारित है 25 अप्रैल को होना है, इसके लिए आपके पास टाइम भी नहीं है। और उसके बाद यूपी टीजीटी में जिसने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है उसका भी जल्दी ही आपका परीक्षा का डेट आ जाएगा, तो तैयारी में लग जाइए। चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि लाल रक्त कणिकाओं की आयु मानव में होती है, तो जो आरबीसी होता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एंथ्रोसाइट भी बोला जाता है, इसकी जीवन काल होता है 100 से 120 दिन। नेक्स्ट है, ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसी धमनी कहा जाता है। तो दाएं नीलय से फुफ्फुसी धमनी यानी कि पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त लेकर के जाता है फेफड़ों में, वहां एल्वोलाई में, फेफड़ों के एल्वोलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ऑक्सीजन को, जो इसमें अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उसको वह फेफड़ों में भेज देता है और फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है उसको ले लेता है, और वहां से रक्त शुद्ध होकर के पल्मोनरी सीरा के द्वारा बाएं अलिंद में आता है, फिर बाएं अलिंद से बाएं नीलय में आता है, बाएं नीलय के संकुचन होने पर एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में जाता है और महाधमनी से समस्त शरीर को पंप कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है, या 5,000 से 11,000 दिया होता है दोस्तों, लेकिन यहां पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 5,000 से 9,000। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों आप सबको पता है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन का खंडन करेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन से क्या तात्पर्य है, तो हीम से तात्पर्य यहाँ पे आयरन है, ग्लोबिन से तात्पर्य प्रोटीन है, यानी हीमोग्लोबिन जो है आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना है, और जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है, जिसे रक्त की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहते हैं, तो रक्त वर्ग ओ को कहा जाता है सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। दोस्तों यदि पॉजिटिव नेगेटिव में आरएच फैक्टर में पूछेगा तो सर्वदाता आपका हो जाएगा ओ नेगेटिव, ये ध्यान में रखिएगा, ओ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपका ऑप्शन रहेगा, ओ सर्वदाता पूछेगा तो ओ नेगेटिव होगा आपका सर्वदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त किस प्रकार का ऊतक है दोस्तों, तो रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है, कौन ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है, जो हमारा प्लीहा होता है, स्प्लीन होता है, वह ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है, जो हमारा रक्त होता है वह प्लीहा यानी कि स्प्लीन में जाकर के मरता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति में सिस्टोलिक दबाव का दायरा यानी रेंज कितना होता है, तो दोस्तों जो सिस्टोलिक दबाव होता है वह 100 से 130 एमएम एचजी होता है, तो सिस्टोलिक दबाव जो होता है वह 100 से 130 एमएम एचजी होता है, बट यहाँ पे इसके अनुसार हो जाएगा मिनिमम 110 से 125 एमएम एचजी, ठीक है, और जो डायस्टोलिक दबाव होता है वो 70 से 90 एमएम एचजी होता है, और इस प्रकार ब्लड प्रेशर जो होता है हाई और लो कहेंगे तो 120 से 180 होता है। नेक्स्ट, हृदय के किस भाग यानी चेंबर से अरोटा जुड़ा रहता है, तो अरोटा जो महाधमनी होता है वो बाएं वेंट्रिकल यानी कि बाएं अलिंद से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट, उच्च रक्तचाप के समय हृदय को किस भाग को कठिन कार्य करना पड़ता है, तो दोस्तों उच्च रक्तचाप जब सिस्टोलिक प्रेशर होता है उस समय होता है जब हमारा बाया नीलय यानी बाया वेंट्रिकल जो है कंट्रक्शन करता है, संकुचन करता है, तो शुद्ध रक्त जो है एरोटा यानी महाधमनी
में जाता है, तो उस समय जो महाधमनी पर दबाव पड़ता है उनकी दीवारों पर, उसी को कहते हैं सिस्टोलिक दाब। तो उच्च रक्तचाप के रक्त दाब के समय सबसे कठिन कार्य करना पड़ता है बाएं वेंट्रिकल यानी कि बाएं नीले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे आयु का प्रतिस्थापित कर अधिकतम एचआर यानी हार्ट रेट गणना की जाती है? तो 220 में से आयु को घटाएंगे तो आपका एचआर यानी हार्ट रेट पता चलता है। नेक्स्ट है, निलय से आने वाले प्रति यूनिट रक्त की मात्रा को कहते हैं। दोस्तों प्रति यूनिट, प्रति मिनट यहाँ पे है, तो निलय से आने वाले प्रति मिनट रक्त की मात्रा को बोला जाता है हृदय आउटपुट यानी कि कार्डियक आउटपुट। तो एक मिनट में जितना हृदय रक्त को पंप करता है हमारे शरीर की तरफ उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है दोस्तों, एक धड़कन में जितना रक्त हृदय के द्वारा पंप किया जाता है एक बार में, उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। इसी मात्रा होती है एक धड़कन में 70 ml। जो हमारा हार्ट रेट होता है वह एक मिनट में 72 बार धड़कता है, तो 72 बार वो रक्त को पंप करता है एक मिनट में। तो एक बार में जो करता है रक्त को पंप हृदय की तरफ शरीर की तरफ, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो जब एक बार में 70 ml पंप करता है तो एक मिनट में 72 बार धड़कता है, तो 70 और 72 का गुणा करेंगे तो 5040 ml आएगा, यानी कि 5.04 लीटर आपका कार्डियक आउटपुट होता है। इस प्रकार एक मिनट में प्रति मिनट में रक्त की हृदय के द्वारा रक्त की गई पंप की गई मात्रा को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट है, कार्डियोवैस्कुलर बीमारी किससे संबंधित है? तो कार्डियोवैस्कुलर जो बीमारी होती है वह हृदय व रक्त धमनियों से संबंधित बीमारी होती है। नेक्स्ट है, 1 ml यानी 1 ml रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? दोस्तों यह 1.5 लाख से 3-4 लाख तक होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 3 लाख। किस अंग में रक्त ऑक्सीजन रहित होता है? तो मांसपेशी में, नाड़ियों में, फेफड़ों में, नूह, दिल में होता है। और दिल यानी कि हृदय में, हृदय में कहाँ पे होता है? तो दोस्तों हृदय के 4 चेंबर होते हैं, ऊपर के 2 चेंबर को हम अलिंद कहते हैं, नीचे के 2 चेंबर को हम निलय कहते हैं। तो यह 4 चेंबर दाया अलिंद दाया निलय, बाया अलिंद बाया निलय होता है। तो जो हृदय का 2 भाग होते हैं, दाया भाग और बाया भाग, और 4 चेंबर 4 कोष्ठ होते हैं। तो जो दाया भाग है, दाया अलिंद दाया निलय है, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे से क्या निर्मित किया जाता है जिसे हम आहार में प्राप्त करते हैं? तो लोहे से दोस्तों हीमोग्लोबिन निर्मित किया जाता है। जैसा कि आपको पता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करता है। यदि हीमोग्लोबिन ही कम रहेगा तो हमारे में एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वही जाकर के कोशिकाओं में भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जैसा कि वायवीय अवायवीय यानी कि श्वसन के बारे में, एरोबिक एनारोबिक श्वसन के बारे में मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया है श्वसन तंत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट है, रक्त में होने वाले हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बंध का प्रतिशत कितना होता है? तो यह होता है 98.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय गति को ऐसे परिभाषित किया जाता है। तो जो हमारा हृदय यदि हार्ट रेट होता है तो एक मिनट में कितना होता है? 72 बार। तो क्या होता है, एक मिनट में हृदय के संकुचन होने की संख्या को हम कहते हैं हृदय गति। तो कितने बार संकुचन करता है? 72 बार। नेक्स्ट, औसत बालिग का आघात परिणाम है। यहाँ पे औसत बालिक आघात यानी कि दोस्तों स्ट्रोक वैल्यू पूछ रहा है, तो एक धड़कन में औसत बालिक आघात होता है 70 ml। नेक्स्ट है, रक्त संचलन का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों रक्त सबसे पहले हृदय से जाता है धमनी में, ठीक, और फिर धमनी से धमनिका में, फिर धमनिका से आपका जाता है केशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय का वजन कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट है, WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों WBC में का मुख्य कार्य होता है संक्रमण के विरुद्ध लड़ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के थक्के के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। दोस्तों यहाँ पे लौह, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम दिया है, तो मैंने बताया धातु भी पूछेगा, तत्व भी पूछेगा, तो कैल्शियम आपका राइट रहेगा रक्त का थक्का जमाने में। और जब विटामिन से पूछेगा तो विटामिन के रहेगा। और जब रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन यानी प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, वो आपका रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। और रक्त कणिका में पूछेगा तो प्लेटलेट्स जो है आपका रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। उसमें से दोस्तों जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन होता है उसका निर्माण होता है आपका यकृत में, लीवर में, ये भी ध्यान में रखिएगा, कई बार ऐसा भी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की प्रतीक्षा क्षमता है, तो इसकी क्षमता है वायुजीवी सामर्थ्य। नेक्स्ट है, हृदय की अति वृद्धि क्या है, तो यह नीलय भित्ति की सामान्य चौड़ाई है, नीलय की जो दीवारें होती है उसकी सामान्य चौड़ाई को हृदय की अति वृद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से रक्त से कौन संचालित होता है। दोस्तों तो रक्त के साथ एंजाइम, ऑक्सीजन, हार्मोन, ये सभी संचालित होते हैं, उपयुक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, तो दोस्तों 0.8 सेकेंड लगता है मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में। नेक्स्ट है, एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं, तो 5 मिलियन सेल्स होते हैं एक रक्त की बूंद में। तंत्रिका तंत्र से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है। दोस्तों तो स्पाइनल कार्ड करता है, यानी कि मेरुरज्जु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्णपटीय झिल्ली कहाँ देखी जा सकती है, तो कर्णपटीय झिल्ली जो होती है वो हमारे कान में देखी जा सकती है। कहाँ देखी जा सकती है, हमारे कान में देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का भार पूरे शरीर के भार का लगभग कितना होता है। दोस्तों तो पूरे शरीर के भार का 2% भार होता है मस्तिष्क के भार, और मस्तिष्क का औसतन वजन जो होता है 1450 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंतु की संधि क्या कहलाती है। जो हमारा तंत्रिका तंत्र होती है उसके तंतु की जो संधि होती है उसको हम साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है मस्तिष्क की सतह में स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, अकेला नर, यानी एक अकेला नर इंपल्स उत्पन्न करता है, तो एक अकेला नर केवल एक बार संकोचन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, स्पाइन में कितने प्रकार के गतिविधि मूवमेंट होते हैं। जो हमारे गर्दन में जो स्पाइन होता है, जो वो 4 प्रकार के मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल मूवमेंट एंड रोटेशन, तो 4 प्रकार के मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है, जीवन और खेलों की सक्षमता का क्या आधार समझा जाता है। तो दोस्तों जो जीवन और खेलों की सक्षमता है, एंड्योरेंस है, वह आपका शारीरिक नियंत्रण और न्यूरोमस्कुलर सामंजस्य मेन आधार उसका समझा जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारा मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड होते हैं, मेरुरज्जु होता है। नेक्स्ट है, नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या कितनी होती है। तो नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या दोस्तों होती है, तंत्रिका तंत्र में 3 अंग होते हैं, एक आपका ब्रेन हो गया, एक स्पाइनल कार्ड और एक न्यूरॉन, तंत्रिका तंतु। नेक्स्ट है, केंद्रीय नाड़ी प्रणाली में निहित है। तो दोस्तों जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है वह 3 प्रकार का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है यानी कि केंद्रीय नाड़ी प्रणाली, उसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होता है। एंड जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधि तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें 43 जोड़ी नाड़ियां होती है, जिसमें 12 जोड़ी नाड़ियां हमारे मस्तिष्क से यानी कॉर्निथल नाड़ी निकलती है, और 31 जोड़ी नाड़ियां स्पाइनल नाड़ी यानी कि स्पाइनल कार्ड से निकलती है। तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम 2 प्रकार के आते हैं, जिसके बारे में डिटेल में बता चुकी हूं नर्वस सिस्टम वाले पार्ट में। नेक्स्ट है, स्वायत्त नाड़ी प्रणाली
नियंत्रण करती है। तो दोस्तों जो स्वायत्त नाड़ी प्रणाली होती है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है वह आंतरिक अंगों को नियंत्रित करती है जिसका हमारे पर कोई काबू नहीं रहता। यह तंत्र कुछ मस्तिष्क, ब्रेन और मेरुमज्जी तंत्रिकाओं का बना होता है। ये सभी आंतरिक अंगों जैसे कि पैंक्रियाज, स्टोमच, लीवर, इंटेस्टाइन, रक्तवाहिनियों आदि की आपूर्ति करता है और ये मस्तिष्क के आदेशों पर निर्भर नहीं रहता। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, अनुकंपी या परानुकंपी। अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपके द्वंद प्रतिद्वंद प्रणाली उत्तेजना के समय पूरे शरीर में बड़ी मात्रा में अवक्षेप करता है, वह हमें कार्यवाही के लिए तैयार करता है, यानी जब विपत्ति का सामना करने के लिए खासतौर पर यह भय, दुख, शोक आदि की स्थिति में कार्य करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और उस समय हमारे नेत्र की पुतली फैल जाती है, लार का बनना बंद हो जाता है, पाचक एंजाइम निकलना बंद हो जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, स्वेट यानी पसीना निकलने लगता है, हृदय धड़कन तेज हो जाती है, उत्सर्जी अंगों की पेशियां शिथिल पड़ जाती है। जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी कि पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वह शरीर की आश्रयदाता प्रणाली होती है, यानी कि प्रेम, खुशी, हर्ष, शांत अवस्था, विश्राम अवस्था में इसका प्रभाव रहता है। जैसे कि इसमें नेत्र की पुतली सिकुड़ती है, श्वेत ग्रंथि यानी पसीना का स्त्राव घटता है, लाल ग्रंथियों का स्त्राव बढ़ता है जिससे पाचन क्रिया अच्छे से होती है, हृदय स्पंदन घटता है, श्वसन दर तथा रक्तचाप कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसागन से कि कौन सा पदार्थ शरीर का संतुलन बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों यह इंडोलिम्फ जो होता है हमारे शरीर का संतुलन बनाने में मदद करता है, यह हमारे कान में पाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कर्णपट्टी झिल्ली कहाँ देखी जाती है, तो यह दिखी जाती है आपका कान में। नेक्स्ट है रतौंधी किसकी कमी से होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, यह विटामिन ए की कमी से होता है, जो आंखों का रेटिनल लेयर होता है वो खराब हो जाता है, इसमें ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कर्णों की क्रियाविधि कौन सी है, तो दोस्तों कर्णों की क्रियाविधि दो होती है, ये आपका होता है श्रवण और संतुलन दोनों का काम करता है कर्ण, यानी ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी दोनों सही होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए और अपने टाइम का एक सेकंड भी व्यर्थ मत जाने दीजिए। तो फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।